जिस वक्त देश नव वर्ष के जश्न में डूबा हुआ था, नए साल के जश्न में डूबा हुआ था, उस वक्त देश की राजधानी में 5 दरिंदे बलेनो कार में बैठकर एक स्कूटी सवार लड़की को घसीट रहे थे। पहले उसकी स्कूटी को टक्कर मारी, उसके बाद उसका शव जो है वो 5 किलोमीटर तक घसीटता रहा, लेकिन ना तो दिल्ली पुलिस ने सुध ली और ना ही दिल्ली पुलिस ने ये जहमत उठाई कि आखिर देख ले कि सीसीटीवी में क्या फुटेज सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस क्या खुद होश में नहीं थी? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। इलाका था कंझावला, जो कि सुल्तानपुरी के आसपास है, रोहिणी के आसपास है, सुनसान इलाका। 31 तारीख की रात 2 बजे ये हुआ, लेकिन देश की राजधानी की पुलिस बिल्कुल भी नहीं जागी। बहुत सारे सवाल हैं। पुलिस कह रही है कि ये सिर्फ हादसा है, परिवार वाले हत्या की बात कह रहे हैं कि अगर ये हादसा है तो लड़की के शरीर पर एक भी कपड़ा क्यों नहीं था, क्योंकि जो शव मिला है उस शव पर कपड़े के नाम पर कुछ भी नहीं था। बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है कि दिल्ली में एक के बाद एक इस तरह के क्राइम हो रहे हैं, कभी निर्भया, कभी श्रद्धा, तो अब अंजलि। आखिर क्यों क्यों दिल्ली पुलिस सो रही है? आखिर कब तक दिल्ली पुलिस जागेगी? सिर्फ ये कह देना कि दुख है हमें, हम जांच कर रहे हैं, ये कह देने भर क्या काफी है? वो एक लड़की 23 साल की जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करती थी, परिवार चलाती थी, परिवार में पिता नहीं है, माँ है, बहने हैं 4, 2 भाई हैं, उनका पेट पालती थी, वो ही घर की अकेले कमाने वाली अब इस दुनिया को अलविदा कह गई है। प्रदर्शन हो रहा है, लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस टस से मस नहीं हो रही है। चश्मदीदों का कहना है कि उसने पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस तब भी नहीं जागी। सुबह 5 बजे पुलिस जागी है और 5 बजे तब जाकर FIR दर्ज हुई है। आप अंदाजा लगाइए कि 31 तारीख की रात में दिल्ली पुलिस, या ये कहें कि देश की पुलिस कितनी ज्यादा अलर्ट होती है सुरक्षा के लिहाज से, लेकिन दिल्ली पुलिस आखिर क्या सो रही थी? एक बार भी चौकी से बाहर एक भी पुलिसकर्मी नहीं आया। बार बार वो गाड़ी जो है वो 5 किलोमीटर तक दौड़ रही है, दौड़ भी नहीं रही थी, बहुत धीमी रफ्तार थी, चश्मदीदों का यह कहना है। तो सवाल ये उठता है कि वाकई अगर ये साजिश है तो फिर उस एंगल से जांच दिल्ली पुलिस क्यों नहीं कर रही है, और क्लियर करने में इतनी जल्दबाजी क्यों की दिल्ली पुलिस ने? और अगर ये हादसा है तो फिर हादसे के बाद बहुत सारे सवाल हैं। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया अंजलि को श्रद्धांजलि देता है, साथ ही साथ उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता है, लेकिन दिल्ली में महिलाएं लड़कियां सुरक्षित नहीं है।